से जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत का असर देखने को मिल रहा है। जो अलग अलग 22 से 23 ट्रेनें रद्द की गई थी उनमें से 3 ट्रेनों को बहाल करने का फैसला लिया गया है रेलवे की तरफ से। कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला लिया गया है। रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस भी फिर से बहाल कर दी गई है। विशाखापट्टनम हजरत निजामुद्दीन समता एक्सप्रेस की बहाली की गई है। रेलवे प्रबंधन ने ट्रेनों के परिचालन के संदर्भ में आदेश जारी किया है। कुल मिलाकर 22 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद राजनीतिक तौर पर भी इसका विरोध हो रहा था और यात्रियों को हो रही असुविधा के चलते एक तरह से विवाद की स्थिति थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत भी की थी और इस समस्या का हल निकालने के संदर्भ में बातचीत की गई थी और इसका असर हुआ है। 3 ट्रेनों को फिलहाल जो रद्द की गई थी उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया, जिसमें कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस शामिल है, रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस शामिल है और जो तीसरी ट्रेन बहाल की गई है वो है विशाखापट्टनम से लेकर हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली समता एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस को फिर से बहाल किया गया है। कुल मिलाकर 3 ट्रेनों को फिर से बहाल करने का फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया है और परिचालन का आदेश भी रेलवे की तरफ से जारी किया गया है।